हेलो गाइज, मैं हूँ रवि। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज मैं आपके लिए सभी एग्जामों के लिए बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा है लेके आया हूँ, जिसे हम बायोलॉजी की इम्पोर्टेंट ब्रांचेज भी बोलते हैं। गाइज, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट में सिलेक्टेड लिए हैं। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है, विज्ञान की किस शाखा में रोग तथा उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी वायरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी फाइकोलॉजी। गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पैथोलॉजी। गाइज, पैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम रोग तथा उनके लक्षणों का अध्ययन करते हैं। गाइज, वायरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को वायरोलॉजी कहा जाता है। गाइज, कवकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को माइकोलॉजी कहा जाता है। गाइज, शैवालों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को फाइकोलॉजी कहा जाता है। गाइज, मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रोग तथा उनके लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को पैथोलॉजी कहा जाता है। गाइज, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को वायरोलॉजी कहा जाता है। गाइज, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को माइकोलॉजी कहा जाता है। गाइज, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को फाइकोलॉजी कहा जाता है। गाइज, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज, आपको इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सार्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हीमेटोलॉजी। गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी। गाइज, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। गाइज, पेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को सार्कोलॉजी कहा जाता है। गाइज, हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। गाइज, विज्ञान की जिस शाखा में रक्त का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। गाइज, मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। विज्ञान की जिस शाखा में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। गाइज, विज्ञान की जिस शाखा में पेशियों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को सार्कोलॉजी कहा जाता है। गाइज, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम हृदय का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। गाइज, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रक्त का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। गाइज, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, लीवर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हिपेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ओडेंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनोलॉजी। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हिपेटोलॉजी। गाइज, विज्ञान की जिस शाखा में लीवर का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। गाइज, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। गाइज, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। गाइज, दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। गाइज, ऑप्शन नंबर डी है ऑर्गेनोलॉजी। गाइज, अंग विज्ञान का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को कहा जाता है ऑर्गेनोलॉजी। गाइज, मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ।
विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लीवर का अध्ययन करते हैं उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। गाइज तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हम न्यूरोलॉजी कहा जाता है। गाइज दांतों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। गाइज अंग विज्ञान का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको पता होगा मैं चैप्टर वाइज MCQ करवाता हूँ बायोलॉजी की। अगर आपने हमारी विटामिन्स, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, ब्लड इन सब की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, सर्प विज्ञान का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ओफियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सोरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ओलेरो कल्चर में। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ओफियोलॉजी। गाइज ओफियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सर्प विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जबकि दोस्तों सरी सर्पों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। गाइज दोनों में डिफरेंस है, एक बार मैं आपको फिर बताता हूं। सर्प विज्ञान का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ओफियोलॉजी कहा जाता है। गाइज सरीसर्पों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की सोरोलॉजी। गाइज छिपकलियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, छिपकलियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को सोरोलॉजी कहा जाता है। गाइज ऑप्शन नंबर डी है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर दोस्तों विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। गाइज मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। सर्प विज्ञान का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो दोस्तों ओफियोलॉजी में किया जाता है। सरीसर्पों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। छिपकलियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो दोस्तों सोरोलॉजी शाखा में किया जाता है। सब्जियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो ओलेरिकल्चर शाखा में किया जाता है। बात क्लियर है? अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की शाखा डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वृक्ष व झाड़ियों का, ऑप्शन नंबर बी पुष्पों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी फलों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी कीड़ों का अध्ययन। तो गाइज मैं आपको बता दूं विज्ञान की वह शाखा डेंड्रोलॉजी जिसमें हम वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों डेंड्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। जबकि दोस्तों पुष्पों का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो मैं आपको बता दूं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। गाइज फलों का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो मैं आपको बता दूं पोमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम दोस्तों फलों का अध्ययन करते हैं। गाइज इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है। गाइज कीड़ों का अध्ययन विज्ञान की एंटोमोलॉजी शाखा में किया जाता है। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। जीव विज्ञान की शाखा डेंड्रोलॉजी में वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। गाइज एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं, एंटोमोलॉजी में हम कीड़ों का अध्ययन करते हैं। गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा में मछली पालन का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी मिर्मिकोलॉजी। गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पीसीकल्चर। गाइज पीसीकल्चर में हम मछली पालन का अध्ययन करते हैं। गाइज ऑप्शन नंबर ए है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में हम रेशम व कीट पालन का अध्ययन करते हैं। रेशम व कीट पालन का अध्ययन करते हैं। रेशम व कीट पालन का अध्ययन करते हैं सेरिकल्चर में। ऑप्शन नंबर बी है पीसीकल्चर जिसमें हम मछली पालन का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है एपीकल्चर, इसमें हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं।
मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है मिरमेकोलॉजी, इसमें हम गाय चींटियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? चींटियों का अध्ययन करते हैं। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं, विज्ञान की किस शाखा में मछली पालन का अध्ययन किया जाता है? तो गाइज पीसी कल्चर में मछलियों का अध्ययन करते हैं। गाइज सेरी कल्चर में हम रेशम व कीट पालन का अध्ययन करते हैं। गाइज एपी कल्चर में हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। और गाइज ऑप्शन नंबर डी है मिरमेकोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम चींटियों का अध्ययन करते हैं। गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा में उपास्थियों का अध्ययन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा विज्ञान की जिस शाखा में हम उपास्थियों का अध्ययन करते हैं उस शाखा को कोंड्रोलॉजी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उपास्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कोंड्रोलॉजी कहते हैं। दोस्तों ऑर्थोलॉजी जो हमारी अस्थि होती है, अगर अस्थि में दोस्तों रोग हो गया और उस रोगों का अध्ययन किया जाए तो उस शाखा को दोस्तों ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। यानी कि अस्थियों में रोगों के कारणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। गाइज एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं, विज्ञान की किस शाखा में उपास्थियों का अध्ययन करते हैं? तो कोंड्रोलॉजी शाखा में करते हैं। अस्थि में रोगों के कारणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। गाइज अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। गाइज कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।